था और मेरा ध्यान नहीं गया, बोर्ड लगा हुआ था। जबकि फिर जब मैंने उनको बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियो शूट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो जो बनाए हैं उसको डिलीट कर दीजिए और मोबाइल ले लीजिए। तो मुझे आने दिया मोबाइल लेके, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। अगर यूट्यूबर मैं नहीं रहता तो फिर मोबाइल सीज कर लिया जाता। फाइनली गाइस मेरे एक व्यूअर मिले हैं, ये बोलती हैं, बच्ची हैं, बोलती हैं कि ये मेरा वीडियो देखी थी, मैं होली में नेपाल आया था उस टाइम का ब्लॉग देखी थी मेरा, जो मैं बाहर की तरफ गया था और आपने मेरा वीडियो देखा था, तो ये हाँ बोल रही हैं। A few moments later. हेलो गाइस, तो मेरा नाम हुआ विकास कुमार कर्ण, आप देख रहे हैं ये ब्लॉग फ्रेशर ऑन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो आज मैं निकल रहा हूँ थोड़ा नेपाल के तरफ, क्योंकि शादी है। तो ये भाई मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं, देख सकते हैं, और पीछे ट्रेन आ चुकी है मेरी। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको रास्ता और नेपाल पहुँच के वहाँ का सीन सब भी दिखाएंगे, बताएंगे वहाँ पे क्या सब खासियत है रास्ते का। तो बने रहिए ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो यहाँ हम लोग लहरियासराय से निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये ब्लॉग में दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग से ट्रेन का, तो ये ट्रेन हमारा बर्गिनिया में रुका हुआ था, हम लोगों को रक्सौल के लिए निकलना है। देख सकते हैं क्रॉसिंग खत्म हो गया है, मालगाड़ी तो चला गया, तो मेरी ट्रेन खुल गई है। देखिए ट्रेन का सीन, फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं रक्सौल। देख सकते हैं ट्रेन मेरे पीछे रुकी हुई है और मैं यहां से ढाला की तरफ जा रहा हूं, जहां से मुझे बीरगंज के लिए गाड़ी मिलेगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैं रेलवे पटरी से होके ही जा रहा हूं। ये इंडियन ऑयल का है अपना भारतीय तेल, यहाँ से नेपाल में सप्लाई होता है तेल का, ये यहाँ का बहुत बड़ा कारखाना है तेल का, यहीं से पूरे नेपाल में सप्लाई किया जाता है डीजल पेट्रोल सब। तो देख सकते हैं यही है ढाला, यहाँ से मैं ऑटो करूँगा और जाऊँगा बीरगंज के लिए। देखिए गाइस मैं ऑटो में बैठ गया हूँ और यहाँ से बीरगंज जा रहा हूँ। यहाँ से बीरगंज का जो भाड़ा है, फेयर है, वो है नेपाली 30 रुपया और इंडियन 20 रुपया। तो मैं तो इंडियन ही दूंगा, तो मैं 20 रुपया दूंगा। आप लोग आना तो याद रखना आपसे कुछ ज़्यादा ना ले लिया जाए, इसलिए ध्यान से। देख सकते हैं मैं आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ का, यही है ढाला, देखिएगा। साइड में वो भैया है, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, इंडियन देंगे नेपाली देंगे आपको। चेक इन चल रहा है, सामान सब का आप देख सकते हैं। कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, अभी जो सर आए थे वो मेरा मोबाइल ले लिए थे, बिकॉज यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मैं आपको ऑटो के अंदर से ही दिखाना चाहूँगा यहाँ का सीन, छुपके मैं वीडियो बना रहा हूँ।
भैया ने मुझे इंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो मैं इन्हीं का फॉलो करूँगा। देख सकते हैं आगे नेपाल का झंडा, यहाँ से नेपाल से वहाँ शुरू होता है, वो पूरे से नेपाल हो जाएगा, यहीं से ना पूरी बॉर्डर है, वही बॉर्डर है। आगे में कस्टम है, वहाँ पे गाड़ी आपको इंडियन गाड़ी अंदर लेके जाना है तो वहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको बनरे ब्लॉक में, दाहिने साइड में एंट्री होता है, बाएं साइड में कस्टम पास होता है। अच्छा, कस्टम पास में पैसा लगेगा, एंट्री में ₹1 नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, तो आप सुने होंगे भैया का बात, और एंट्री मात्र नगर पालिका भर के लिए है, कस्टम पास कराइएगा तो पूरा नेपाल घूमिएगा। अच्छा, थैंक यू भैया जानकारी देने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री लाइन लगा हुआ है, एंट्री के लिए लाइन लगा हुआ है, और यहाँ पे अंसार पास कार्यालय, ये वीरगंज अंसार कार्यालय है। अभी ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है, नहीं जितना दूर चेकिंग है उतना ही दूर का रास्ता खराब है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई चेकिंग खत्म, रास्ता अच्छा, यानी कि कोई कुछ करके अगर भागेगा भाग नहीं, तो भाग नहीं सकता है, इसीलिए रास्ता खराब है यहाँ का, बॉर्डर एरिया एक्चुअली, इसीलिए जितना दूर चेकिंग है उतना ही दूर का रास्ता खत्म है जी। फिर आगे रास्ता बहुत ही अच्छा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं बाईपास कर रहा है, यहाँ से जो भी रास्ता आएगा वो अब आपको देखने को मिलेगा ही, बहुत ही अच्छा रास्ता है इधर का। देखिए ये सीधे रास्ता बीरगंज निकलता है ना, ये सीधे मेन रोड है, सीधे बीरगंज के लिए रास्ता निकलता है, मेन रोड है यही नेपाल का। बॉर्डर के पास कस्टम पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, मेरा मोबाइल ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था और मेरा ध्यान नहीं गया, बोर्ड लगा हुआ था जबकि। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियो शूट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो जो बनाए हैं उसको डिलीट कर दीजिए और मोबाइल ले लीजिए। तो अगर यूट्यूबर मैं नहीं रहता तो फिर मोबाइल सीज कर लिया जाता। अब हम नेपाल के अंदर मार्केट एरिया में आ चुके हैं, तो ये मार्केट एरिया का सीन सब देख सकते हैं। यही है घंटाघाट, वीरगंज के नाम से जाना जाता है यही। उत्तर भाई हो घटना घर, ये ऑटो वाले भैया, भैया एक बार इधर देखिएगा, हेलो कर दीजिएगा मेरे दर्शकों को, व्यूवर्स को, ये मुझे बहुत ही गाइड किए हैं, देख सकते हैं, मैं इनको पेमेंट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये देखिएगा यही है घंटाघर नेपाल का वीरगंज, यहीं से आपको जहाँ भी जाना होगा नेपाल के अंदर आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वीरगंज घंटाघर, यहाँ से मैं अब सिमरा के लिए बस पकड़ूँगा।
तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे का जर्नी, बने रहिए मेरे वीडियो में। देख सकते हैं मैं अभी बस के लिए जा रहा हूँ, घंटाघर से थोड़ी ही दूरी आगे चलना पड़ता है, उसके बाद कबीरगंज से सेमरा के लिए। तो मुझे सेमरा जाना है अभी, एक्चुअली एक शादी के लिए आया हूँ, तो उसको आज अटेंड करूँगा, फिर कल रिटर्निंग है मेरा। ये देख सकते हैं फाइनली गाइस मैं बस में बैठ चुका हूँ, तो यहाँ से मैं सेमरा के लिए जा रहा हूँ। मेरे डे ब्लॉग में रास्ते का सीन सब दिखाते चलेंगे आपको, और क्या सब रास्ते में मिलता है बताते चलेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ बेगन से बस खुल चुकी है और सेमरा की तरफ हम लोग निकले हैं, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आगे की जर्नी दिखाते रहेंगे आप लोगों को। फाइनली गाइस मेरे एक व्यूअर मिले हैं, ये बोलती हैं बच्ची हैं, बोलती हैं कि ये मेरा वीडियो देखी थी, मैं होली में नेपाल आया था उस टाइम का ब्लॉग देखी थी मेरा, जो मैं बाहर की तरफ गया था और चूल्हे पे बागमती साइड गया था, वहाँ का वीडियो देखी थी। बाबू आपने मेरा वीडियो देखा था? तो ये हाँ बोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका ये भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप ज़रूर देखना। ओके हाय कर दीजिए। फाइनली हमारा रास्ता जो है जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको, यहाँ से लगभग 45 मिनट का टाइम लगेगा मुझे जाने के लिए सेमरा, तो आप लोग देख सकते हैं बने रहिए ब्लॉग में। भैया को मैंने अभी फेयर दिया है, इंडियन 30 रुपीज़ थी तो यहाँ का 50 रुपीज़ हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। नेपाल में अभी हाईवे बन चुका है, देख सकते हैं दोनों साइड से वन वे है, एक साइड से आना एक साइड से जाना, तो ये ऐसा पहले नहीं था, पिछले 2 साल से ये रास्ता कंप्लीट हुआ है और आगे बन भी रहा है जयपुर साइड में, देख सकते हैं ब्लॉग में बने रहिए। ये देख सकते हैं यहाँ से जनकपुर है 150 किलोमीटर, पोखरा 246 किलोमीटर, काठमांडू 272 और मेचीपुल 386 किलोमीटर था, देख सकते हैं। यो भाई यहाँ तक बहुत तगड़ा चेक इन चल रहा है, बार बार मोबाइल को हाइड करना पड़ता है, यहाँ पे अलाउ नहीं है पब्लिकली वीडियो बनाना। एक बार तो मेरा मोबाइल ले लिया गया था, आप लोगों को देखिए। फाइनली यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट होता है नेपाल का, यहाँ से लगभग आपको हर एक किलोमीटर पे एक बड़ा सा फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, जो कि नेपाल को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है, कई देशों की कंट्री मिलके उनको कर्ज देते हैं और फैक्ट्री बना के देते हैं, फिर उनसे जो उत्पादन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बनता है कि 5 साल 10 साल तक उनका जो भी इनकम होगा वो लेंगे, उसके बाद यहाँ के कंपनी वालों को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से रास्ता ख़राब है, लगभग सिमरा से थोड़ा सा पीछे तक ये रास्ता ऐसे ही है, अभी बना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है वर्क, बस इतना ही बन जाएगा, उसके बाद पूरा लगभग नेपाल का रास्ता तैयार हो जाएगा, मेन रोड NH जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, देख सकते हैं बस थोड़ी ही दूरी पे मेरा डेस्टिनेशन आने ही वाली है, तो मैं वहाँ पे ड्रॉप कर लूँगा, उतर जाऊँ बस से, देखते रहिए बने रहिए ब्लॉग में, उतर के आपको फिर वहाँ का सीन दिखाता हूँ। फाइनली गाइस मैं अपने डेस्टिनेशन पे उतर गया हूँ बस से और घर की ओर जा रहा हूँ, देख सकते हैं ये जयपुर है, जयपुर का मार्केट आगे आपको मिल जाएगा, मेरे पीछे पुलिस चौकी है, तो बने रहिए ब्लॉग में, घर पहुँच के दिखाता हूँ वहाँ का सीन आप लोगों को। देख सकते हैं मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे लोग, उनको आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। देख सकते हैं ये लोग काफी सरप्राइज हो चुके हैं, हम घर पहुंच चुके हैं यहाँ पे, इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, तो फ्रेश होके मिलते हैं वीडियो में।